हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, ये सोनल है। मैं इसकी क्लासमेट हूँ एंड आज हम लोग जा रहे हैं, रैंडम प्लान बनी है हमारी क्लास से जस्ट बीएचयू एक्सप्लोर करने की। कॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली न्यू कमर स्पेशल जो यहाँ पे बीएचयू आने वाले हैं, उनको बहुत सारी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि वो मतलब बीएचयू को एक्सप्लोर करें। तो आज वैसे ही हम लोग रैंडमली प्लान बना के जा रहे हैं आपको एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट दिखाने के लिए। एंड सही पता हो तो ये हमें भी नहीं पता है, तो ऐसी ऐसी हमारी वीडियो चलते जाएगी। इसी के साथ आप लोग भी बीएचयू की लुत्फ उठाते जाइएगा और हमारे सिचुएशन की लुत्फ उठाते जाइएगा। बिकॉज वी लिटरली डोंट नो वेयर वी आर एक्सप्लोरिंग। देखिए कितना धूप है। और बता दूं आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग की डेस्टिनी जो स्पॉट है वो एरोप्लेन सेक्शन है, एरोप्लेन डिपार्टमेंट है, यहाँ की बहुत अच्छी है। आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूब्स भी देखा होगा, तो आज हम लोग वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एंड इट वुड बी क्वाइट एडवेंचरस फॉर अस बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। अभी मैं शक्ल ढकी हुई हूँ बिकॉज अभी थोड़ा धूप है, तो प्लीज थोड़ा सा इस पे ज्यादा क्रिटिसिज्म मत करिएगा। काफी धूप है इसलिए अभी लगा लिए है कपड़ा। राइट है, ठीक है, जाते हैं फिर दिखाते हैं, है ना। सो गाइस, दिस इज द कॉमर्स सेक्शन ऑफ बीएचयू एंड ये भी बहुत ही खूबसूरत है एंड ये ऑफ कोर्स बहुत ही फेमस है लाइक आवर विजुअल आर्ट। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर हरियाली है बीएचयू कैंपस। बहुत धूप भी है, धूप तो बहुत ज्यादा है अभी। ओके, सो वी आर एट द वीडी सेक्शन। हम लोग पहुंच गए वीडी एंड हम लोग यहाँ पे थोड़े रेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है एंड हमारी जर्नी जो है वो थोड़ी दूर होने वाली है। तो कंटिन्यू आर जर्नी, आर रैंडम प्लान, पता नहीं कितना दूर तक चलेंगे, कितना दूर तक खत्म होगी। ओके, ये देखिए विटी का गेट देखिए, क्या बोलूँ मैं, तो क्या और कितना बोलूँ। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर खाना खाने के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट करने के लिए। कॉल जैसे मैंने कहा अभी टाइम है पहुंचने के लिए, तो गाइस जस्ट वेट एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेचारा अभी अभी स्टार्ट किया है, तो डू सपोर्ट हिम। ओके, चलिए चलिए जाते हैं, चलो। दोस्तों अभी साइकिल को यहाँ पर पार्किंग कर दिए हैं, अभी लगा लेते हैं ताला, फिर जाते हैं। अभी सोनल तो गई है ऑर्डर करने के लिए। किधर चलेगी यार, पता ही नहीं चल रहा है, देखते हैं खोजते हैं। चलो, अब हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं। अभी खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत भीड़ है। ये क्या चीज है, लस्सी बन रहा है। ये भारत अंकल है और इनकी शॉप है एंड लेट मी टेल यू, ये मैं आती हूँ इनके साथ, मेरी फ्रेंड वर्षा के साथ एंड ये वन ऑफ दी बेस्ट शॉप है फॉर ऑफकोर्स कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल्सो फॉर रिफ्रेशमेंट स्पेसिफिकली। एंड यहाँ की लस्सी इज ऑफकोर्स गोल्ड एंड यहाँ की मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कॉल्ड कोल्ड कॉफी। यहाँ की डू ट्राई ओवर हियर, दिस इज द शॉप कोल्ड कॉफी 43, वेरी रिजनेबल प्राइस एंड जब भी आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे इनके यहाँ पे जरूर जाइए।
एंड ये देखिए लस्सी बना रहे। ओके सो ये बनाते हुए रोहित इज मेकिंग लस्सी विद दिस अंकल हैविंग फन इज़ इट। अभी खाने के लिए बैठ चुके हैं, अभी तो आया नहीं है। क्या मंगाई है? स्पेशल डोसा। देखिए हमारे यहाँ पर बेबी है और एक अंकल है। कहाँ से अंकल आप लोग? अच्छा मिर्जापुर से अंकल लोग। आप यहीं पर पढ़ाई करते हैं क्या? एग्जाम कौन सा एग्जाम? तो बहुत दूर से आए हैं एग्जाम देने के लिए, तो वेट कर रहे हैं हम लोग खाने के लिए। अभी बताएगा आपको नाम क्या है? नहीं जाना, मजा आ रहा है यार खाने के लिए। फर्स्ट टाइम पहली बार खा रहे। तो अभी हम लोग खा के अभी जा रहे हैं एरोप्लेन सेक्शन साइड, साइकिल का भी खोल लेते हैं। ओके सो वी आर हेडिंग टुवर्ड द एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट नाउ आफ्टर द रिफ्रेशमेंट। सामने आईआईटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है। हम लोग बीएचयू के एग्रीकल्चर फार्म हाउस साइड पहुंच चुके हैं धूप से बचते हुए। सोनल कुत्ता आराम से बैठा हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो पूरा बीएचयू का फार्म हाउस है। पूरा मतलब यहाँ पर खेती होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट रिसर्च करते रहते हैं। जब कभी आप बीएचयू आते हैं तो एग्रीकल्चर फार्म हाउस साइड ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ आने से आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। चारों ओर हरा भरा नज़र आएगा। देखिए मक्का का खेत, और यहाँ का मक्का भी फलता है तो बहुत महंगा का बिकता है। पूरा मशक्कत करते हुए हम लोग जा रहे हैं और फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं क्या क्या एरोप्लेन सेक्शन ना, गौशाला डेयरी फार्म। मैं बता दूं कि बीएचयू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए विद्यार्थीगण बहुत ज़्यादा संख्या में अप्लाई करते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो ज़बरदस्त होती है यहाँ पर। यहाँ पर बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं बनाया हुआ है। जस्ट अभी वापस आ रहे
बहुत ही दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए कि हम लोग IIT की तरफ से बढ़ रहे थे एग्रीकल्चर फार्म, एंड देन पता करते करते हम लोग बहुत ही परेशान होते होते आए थे यहाँ पे फाइनली अपनी डेस्टिनी की तरफ MPC फ्लाइट, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को घुसने नहीं दी गई, परमिशन नहीं मिली। हम लोग ने थोड़ा इंसिस्ट भी किया ब्लॉग दिखाने की एंड ऑल दोस, बट उन लोग ने नहीं माना। चाह तो रहे थे आप लोग को एक्सप्लोर कराने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। सो या कुछ तो लाए नहीं हम लोग ना खाने के लिए, इसके लिए जाते हैं ना। रोहित, आफ्टर मूवी है ये डॉक्यूमेंट्री। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ये भी सैड होते हुए, कॉज हम लोग की जो रैंडम प्लान थी वो कहीं ना कहीं नहीं हुई, एंड या इसकी विश थी कि आप लोग को दिखाए यहाँ की एरोनॉटिक स्पॉट, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है, एंड जिसको पता है वो मतलब अलग ही है, वो मतलब दुनिया ही वो अलग है BHU की। सो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सैड है, बट या ये अपनी सैडनेस को पॉजिटिविटी में थोड़ी कन्वर्ट कर रहा है। ये जो ब्यूटिफुल सी पेड़ जो आप देख रहे हो उसकी ये स्केच करेगा, या एंड ये बनाते हुए स्केचिंग रोहित स्केचिंग कर रहा है। दिखा दूं इसको बना, ऑफ कोर्स दिखाऊंगी, इसकी स्केचिंग कर रहा है वो। अब स्केचिंग हम लोग कर लिया, अब घर जाते हैं हम लोग, काफी थक चुके हैं, हरासमेंट भी हो रहा है, तो जाना होगा अभी।